श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मित्रों, धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस परम पुनीत पुरुषोत्तम मास में बृहन्नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म के कथा का प्रसारण हमारे चैनल पर किया जा रहा है। उसी क्रम में आज 18वें अध्याय की कथा कहने जा रहा हूं। आप सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। कथा को सुनने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त होती है। धन धान सुख समृद्धि, कुल की वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने मित्रों से हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आइए 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टदशोऽध्यायः। नारद उवाचो दृढधन्वा महीपां किमुवाच ततः परम् वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् वदस्व तपोनिधे। श्रीनारायण उवाचो दृढधन्वा स राजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः सविस्मयं समापृच्छत् वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। दृढधन्वो उवाचो ब्रह्मस्तो वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को क्या कहा, आप उस कथा को हमें सुनाइए। नारायण बोले, हे नारद, दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ऋषि से पूछता है। दृढ़धन्वा बोला, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को सुनकर कथा का श्रवण कर मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए आप पुनः उसके आगे का वृतांत हमें सुनाइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे जगती पते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय दसों दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ, गर्जना करता हुआ असमय में बादल आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली चमकने लगी, दसों दिशाओं को आक्रांत करने लगी। इस तरह से एक माह तक वृष्टि हुई, उससे समस्त पृथ्वी डूब गई। परंतु शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त हुआ ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न उसने जलपान किया, न भोजन किया, केवल हे पुत्र विलाप करता रहा। इस तरह से पूरा मास बीत गया। वह जो महीना बीता वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित भगवान हरि उसके सामने प्रकट हो गए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गए। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री के साथ उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप दीन दयालु हैं, ऐसा कह करके बार बार भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। भगवान पुरुषोत्तम सेवा से अति प्रसन्न होकर के मधुर वाणी से बोले, श्री हरिर्वाचो भो वसुदेव धन्योसी भाग्यवान संप्रतम भवान तद्भाग्यम वर्ण तुमको वा समर्थो भुवनत्रये शृणुवत्स प्रवक्षे हम यत्ते भावि तपोधनो द्वादशाब्द सहस्रायुः पुत्रस्ते भविता द्विजः। भगवान बोले, भो वसुदेव तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो, आपके भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, अब जो कुछ भी होने वाला है वो मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको प्राप्त होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने लगेंगे।
इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्राचीन काल में एक धनुर्मुनि नाम के मुनि थे। पुत्र की इच्छा से उन्होंने दारुण तप किया। हजार वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता प्रसन्न होकर के बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य वचन को सुनकर उस तपोवन में धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु मर्यादा में न बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए? उस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होगी। देवताओं ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कह करके इंद्रादि देवता स्वर्ग में चले गए। धनुर्मुनि ने थोड़े ही समय में वैसे पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने के योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां जाकर शालिग्राम की शिला को लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ उस शालिग्राम की शिला को कुएं में डाल दिया। काल रुद्र के समान कोप करते हुए महेश ऋषि वहां पर पहुंचे। उस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी ही मर जाए। परंतु उसे मरता हुआ न देख करके उसके मृत्यु का कारण उन्होंने अपने ध्यान में देखा। देवताओं ने इसे लंबी आयु प्रदान किया है, ऐसा जब महेश मुनि ने देखा तब लंबी सांस लिया। उनकी लंबी सांस लेने से करोड़ों महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने उस पर्वत का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और ऐसा होते ही उन मुनि का वह जो लड़का था वह मर गया। धनुर्मुनि अत्यंत दुख से विलाप करने लगे। अपने पुत्र के शरीर को गोद में लेकर पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस तरह से हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कभी भी सुख को नहीं पाते। हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र तुम्हें दिया है इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिरस्थाई कर दिया है, यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगो। उसके बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे, वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से हजार वर्ष पर्यंत भोग कर तब पृथ्वी पर पुनः आओगे। हे दुजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। तुम्हारा नाम दृढ़ धनवा होगा। सेना सवारी से युक्त 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य के सुख को भोग करोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य को पाओगे। उस समय यह गौतमी स्त्री तुम्हारी पटरानी बनेगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की एक कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुख को भोग कर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह गया है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचनों को सुनकर दुखित मन होकर तुम घर आओगे। इसके बाद संसार के विषय सुख को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह ही शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को तुम स्त्री पुरुष प्राप्त करोगे और वह पद जिसे आवागमन के बंधन से मुक्त कहा गया है ऐसा पद तुम्हें प्राप्त होगा।
इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वह दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सभी देवता लोग भी संतुष्ट होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा ननाम श्री हरि तदा बद्धांजलि पुटो विप्रा प्रोवाच जगदीश्वरम हृदिस्थिम संशयम छेतु हर्षगत गदया गिरा चत्वार्यब्द सहस्रमेव मनिषम तप्तम तपो दुष्करम तत्रागत्य वचस्त्वया निगदिम यन्मा हरे कर्कशम हे वत्साद्य विलोकितम तव सुतो नैवास्ति नैवास्ति ही तदवाक्यम व्यतिलंघये मृत सुतोत्थाने च हेतुं वद। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन में वह ब्राह्मण बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है तुमको पुत्र सुख नहीं है, परंतु हे हरे, अपने उस वचन का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है वह आप हमसे कहिए। श्री बिहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्टदशोऽध्यायः भोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। इस तरह से 18वां अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे की कथा अगली वीडियो में लेकर के शीघ्र ही आऊंगा। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवायो।